हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल अनदर वीडियो। तो गाइस, क्या आप लोग भी अपने मोबाइल फ़ोन के अंदर जो अपना कॉल ऑफ ड्यूटी वारजोन मोबाइल फ़ोन को अपने मोबाइल फ़ोन के अंदर इंस्टॉल करके प्ले करना चाहते हैं, वो भी ऑफिशियली तरीके? तो गाइस, मैं आप लोगों को इस वीडियो के अंदर बताने वाला हूँ कि आप लोग भी किस प्रकार से जो अपने मोबाइल फ़ोन के अंदर कॉल ऑफ ड्यूटी वारजोन मोबाइल को खेल सकते हैं, क्योंकि ये गेम जो है आज हमारा 15 सितंबर है, तो आज ये हमारे मोबाइल फ़ोन के अंदर जो है ऑफिशियली तरीके से लॉन्च कर देगा हमारे प्ले स्टोर के ऊपर। और आप लोगों को बहुत से बंदों को जो प्री रजिस्टर का ऑप्शन देखने को मिल रहा है, तो गाइस मैंने इस प्री रजिस्टर के ऑप्शन को किस तरह से जो अपने मोबाइल फ़ोन के अंदर स्टॉल की बटन में चेंज किया, तो गाइस मैं आप लोगों को इस वीडियो के अंदर सब कुछ बताने वाला हूं। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं इस वीडियो को और बताते हैं आप लोगों को कि आप लोगों को कॉल ऑफ ड्यूटी वारजोन मोबाइल को अपने मोबाइल फोन के अंदर डाउनलोड करने के लिए स्टॉल की बटन अवेलेबल कराने के लिए किन स्टेप को फॉलो करना है। लेकिन उससे पहले गाइस, अगर आप लोगों को जो मैं ट्रिक बताने वाला हूं, उस ट्रिक को यूज करने के बाद अगर आप लोगों के मोबाइल फोन के अंदर आपकी स्टॉल की बटन अवेलेबल हो जाती है, तो आप लोगों को जो अपने भाई के चैनल को सब्सक्राइब करना है और बेल आइकन को और प्रेस कर लेना है। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं अपनी वीडियो को। तो गाइस, सबसे पहले मैं आप लोगों को दिखाना चाहूंगा, जैसे आप लोग अपने प्ले स्टोर को ओपन करते हैं, ओपन करने के बाद अगर कॉल ऑफ ड्यूटी वारजोन मोबाइल लिखते हैं, तो आप लोगों के मोबाइल फोन के अंदर यहाँ पे देखने को मिल रहा है कॉल ऑफ ड्यूटी वारजोन। तो आप लोग देख सकते हैं, आप लोगों को यहाँ पे प्ले रजिस्टर का ऑप्शन देखने को मिल रहा है। तो गाइस, मैं आप लोगों को बताऊंगा कि आप लोग इस प्ले रजिस्टर ऑप्शन को किस तरह से अपने मोबाइल फोन के इंस्टॉल की बटन में चेंज कर सकते हैं। तो गाइस, मैं आप लोगों को कुछ प्रूफ भी दिखाना चाहूंगा कि आप लोगों का ये जो गेम आज ऑफिशियली तरीके से लॉन्च किया जाने वाला है, यानी कि आप लोगों के लिए बीटा टेस्टिंग में ये अभी तक आज अवेलेबल कर दिया जाएगा। आप लोग साफ साफ देख सकते हैं कि यहाँ पे 15 सितंबर बताया गया, 15 सितंबर को आप लोगों का जो गेम है वो बीटा टेस्टिंग के लिए आप लोगों के कुछ बंदों को यानी कि रिलीज कर दिया जाएगा, उसके बाद ये ऑफिशियली तरीके से ग्लोबली लॉन्च किया जाएगा। तो गाइस, अब आप लोगों को मैं बताना चाहूंगा कि आप लोगों को इस ट्रिक को किस तरह से अपने मोबाइल फोन के अंदर पूरी तरह से यूज करना है, तो उसके लिए आप लोगों को क्या करना है। उसके लिए सबसे पहले मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा कि आप लोगों को सबसे पहले आप लोगों को अपने क्रोम ब्राउजर को ओपन करना है। क्रोम ब्राउजर ओपन करने के बाद गाइस, अब आप लोगों को क्या करना होगा, आप लोगों को यहाँ पे YTR पे लिखे हुए पे सर्च करना है। उसके बाद आप लोगों के सामने मेरी वेबसाइट आ जाती है, आप लोगों को उस पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद गाइस, अब आप लोगों को क्या करना होगा, आप लोगों को थोड़ा स्क्रॉल करते हुए यहाँ पे नीचे के इस 3 डॉट पे क्लिक करना है। 3 डॉट पे क्लिक करने के बाद आपको लोन वाला ऑप्शन देखने को मिल रहा हो, आप लोगों को उस पर क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद अब आप लोगों को गाइस क्या करना है, आप लोगों को यहाँ पे मैं DNS कोड प्रोवाइड कराने वाला हूँ। तो गाइस, आप लोगों को क्या करना है, हाउ टू गेट क्रोम वाले सेक्शन पे क्लिक कर देना है। गाइस, जैसे आप लोग इस वाले सेक्शन पे क्लिक करते हैं, तो आप लोगों को स्क्रॉल करते हुए थोड़ा नीचे की साइड जाना है। यहाँ पे मैं आप लोगों को DNS कोड दूंगा। इस DNS कोड को आप लोगों को अपने मोबाइल फोन के अंदर यूज करना है, क्योंकि अगर आप लोग इसे यूज नहीं करेंगे, तो आप लोगों के मोबाइल फोन के अंदर आप लोगों इंस्टॉल की बटन अवेलेबल नहीं होने वाली है। तो गाइस, सबसे पहले आप लोगों को इसको कॉपी करना है। कॉपी करने के बाद अब आप लोगों को बैक आना है। बैक आने के बाद आप लोगों को अपनी सेटिंग में जाना है। सेटिंग में आने के बाद अब आप लोगों को यहाँ पे आना है। यहाँ पे आने के बाद आप लोगों को अपना DNS लिख के सर्च करना है। जैसे आप लोग DNS लिख के सर्च करेंगे, तो आपका प्राइवेट DNS आ जाता है, जिसके अंदर आप लोगों को इसे डाल देना है। डालने के बाद आप लोगों को क्या करना है, जो ओल्ड वाला आप लोगों का DNS कोड उसको हटा देना, और इस नए वाले DNS कोड को यहाँ पे पेस्ट कर देना, उसको सेव कर देना है। सेव करने के बाद गाइस, अब आप लोगों को क्या करना है, आप लोगों को उसके बाद अपने प्ले स्टोर के ऐप इन्फो में जाना है, और ऐप इन्फो में जाने के बाद क्लियर ऑल चेक कर देना है। क्लियर और चेक कर देने के बाद अब आप लोगों को जो है अपना प्ले स्टोर ओपन करना है। ओपन करने के बाद अब आप लोगों को क्या करना है, दोबारा से अपने कॉल ऑफ ड्यूटी लिख के सर्च करना है। जैसे आप दोबारा से कॉल ऑफ ड्यूटी लिख के सर्च करेंगे, सर्च करने के बाद गाइस आप लोग देख सकते हैं, जैसे मैंने अपने मोबाइल फोन के अंदर अपना कॉल ऑफ ड्यूटी वारजोन मोबाइल सर्च किया, तो गाइस आप लोग देख सकते हैं लाइव मेरे सामने जो मेरा इंस्टॉल की बटन अवेलेबल हो चुकी है। तो गाइस, आप लोगों को भी इस तरह से इस वीडियो को फुली वॉच करके इस मेथड को पूरी तरह से यूज करना है, वीडियो को फुली वॉच करना है, तभी आप लोगों के सामने इस तरह की इंस्टॉल की बटन अवेलेबल हो पाएगी। तो गाइस, आप लोगों को वीडियो को फुली वॉच करना होगा, तभी गाइस आप लोगों को समझ में आएगा कि आप लोगों को इस वीडियो के अंदर मैंने क्या बताया और किस तरीके से आप लोग इसके अंदर अपनी इंस्टॉल की बटन को अवेलेबल करा सकते हैं। तो गाइस देखिए, मैं अभी आप जो है अपने कॉल ऑफ ड्यूटी वारजोन का बीटा टेस्टर बन गया हूं, और मेरे सामने भी स्टोर की बटन अवेलेबल हो गई है। तो गाइस, इस वीडियो में इतना ही था, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप लोग जो है अपने भाई के चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ऑल पे प्रेस करें। तो गाइस, जल्दी से आप लोग भी अपने मोबाइल फोन के अंदर जाकर अपने कॉल ऑफ ड्यूटी वारजोन डाउनलोड करें और उसका आनंद लें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।